सेंसर बोर्ड ने फिल्म जॉयलैंड के बाद हिस्से हजब करने के बाद नुमाइश की इजाजत दे दी। मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड के फिल्म बोर्ड ने फिल्म जॉयलैंड के बाद हिस्से हजब करने के बाद नुमाइश की इजाजत दे दी है। फिल्म जॉयलैंड के मामले पर मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड के फिल्म बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें फिल्म को देखा गया और उसके कुछ हिस्से हजब कर दिए गए। फुल बोर्ड ने फिल्म के बाद हिस्से हजब करने के बाद नुमाइश की इजाजत दे दी। वाजह रहे कि जॉयलैंड पर बाज मकातबे फिकर के एतराज के बाद वजीर आजम ने काबीना कमेटी बनाई थी और काबीना कमेटी ने गुज़िश्ता रोज फिल्म को देखकर मामला फुल बोर्ड के सुपुर्द कर दिया था। ख्याल रहे कि फिल्म जॉयलैंड की कहानी एक ख्वाजा सरा की जिंदगी पर बनाई गई है, जिसको सरमद खोसट और अपरवा चरण ने प्रोड्यूस किया है। फिल्म का म्यूजिक अब्दुल्ला सिद्दीकी की जानिब से पेश किया गया है। इसमें लाहौर के मेहनतकश तबके की एक शादीशुदा मर्द और एक ख्वाजा सरा के दरमियान बढ़ते हुए रिश्ते को दिखाया गया है। फिल्म में सरवत गिलानी, सानिया सईद, अली जुनेजो, सना जाफरी, अलीना खान समेत दीगर अदाकारों ने काम किया है। इस फिल्म को बैनुल अक्वामी शोहरत मिली जब इसे पाकिस्तान की जानिब से ऑस्कर्स के लिए नामजद किया गया और कांस फिल्म फेस्टिवल में ज्यूरी प्राइज मिला। याद रहे कि ज्यूरी प्राइज इन दी आन सर्टन रिगार्ड्स को इस फिल्मी मेले का दूसरा बड़ा अवार्ड तस्लीम किया जाता है। सोशल मीडिया पर जहां जॉयलैंड की मुखालफत हो रही है, वहीं कई समाजी और शोबिस की शख्सियात खुलकर इसकी हमायत भी कर रही हैं। फिल्म साज जामी आजाद ने हुकाम से जॉयलैंड को रिलीज करने की दरख्वास्त करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज की बात है कि एक फिल्म इतना आगे तक गई, ऑस्कर की रेस में भी काफी अच्छी जा रही है। ट्रांस लोग हमारी सोसाइटी का एक लाजमी हिस्सा है, हमें किसी भी इंसान से नहीं डरना चाहिए। जिस तरह मुल्ला हमारी सोसाइटी का लाजमी हिस्सा है, जो काफी मुस्बित किरदार भी अदा करते हैं और काफी मनफी किरदार भी अदा किया मुल्लाओं ने, लेकिन हम बर्दाश्त करते रहे। हमने नहीं कहा कि इनको निकाल के बाहर फेंक दें, उन पर पाबंदी लगा दें। पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरतुल्ला बाबर ने कहा कि फिल्म जॉयलैंड की तयशुदा रिलीज से चंद दिन कबल सर्टिफिकेशन वापस लेने का फैसला गलत है। ये खुद साख्ता इखलाकी ब्रिगेड को मुतमईन करने के लिए खुद को पीछे ले जाना है। ये प्रोड्यूसर्स के इजहार राय की आज़ादी और लोगों के इंतखाब के हक की खिलाफ वर्जी करता है। प्लीज इस फैसले को वापस ले लें।